लगातार खबरों के लिए बेल आइकन दबाइए। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए न्यूज 29 इंडिया को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 29 इंडिया और मैं हूं कल्याणी महाजन आपके साथ। आइए रुक करते हैं अभी की ताजा खबरों की ओर। अयोध्या में पवित्र सरयू नदी के जन्मोत्सव का हुआ आयोजन, उद्घाटन करने पहुंचे डिप्टी सीएम, अपराधियों को दिया कड़ा संदेश। रामनगरी में सीएम योगी के श्रीराम की विशालकाय मूर्ति वाले ड्रीम प्रोजेक्ट पर मंडराए संकट के बाद लोगों ने किया भूमि अधिग्रहण करने वाली टीम का विरोध। बारिश के पहले विदिशा की चोक नालियों को साफ करने के लिए मैदान में उतरा जिला प्रशासन, कलेक्टर सहित अन्य अधिकारियों ने साफ किया कचरा। अयोध्या में पवित्र सरयू नदी के जन्मोत्सव पर आयोजित सरयू महोत्सव का उद्घाटन करने डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा पहुंचे। यहां पहुंचकर उन्होंने अपराधियों को कड़ा संदेश दिया है। अयोध्या में रामगंगा कही जाने वाली मोक्षदायिनी सरयू नदी के जन्मोत्सव पर आयोजित 4 दिवसीय सरयू महोत्सव कार्यक्रम का उद्घाटन करने प्रदेश के उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा पहुंचे। उन्होंने सरयू आरती, पूजन और सरयू अभिषेक का आयोजन का शुभारंभ किया। इस दौरान दिनेश शर्मा ने कहा कि अयोध्या के कण कण में राम दिखते हैं। भगवान श्री राम के समय से ही सरयू आरती होती आई है। उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा ने अपराधियों को कड़ा संदेश देते हुए कहा कि जहां भी अमानवीय घटना घट रही है वहां सरकार अपराधियों के खिलाफ कड़ा कदम उठा रही है। अपराध करने वाले अपराधियों को सरकार कठोर दंड देगी। आज सरयू के पवित्र तट पर माँ सरयू माता के आरती का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। अयोध्या के संत महंत जब किसी भी नदी के तट पर एकत्रित होते हैं तो निश्चित रूप में वहाँ का कल्याण अवश्य होता है, और मेरा ये मानना है कि सरयू माँ की आरती का जो प्रावधान है वो शास्त्रों में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी के समय से चला आ रहा है। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जब भी कोई पुण्य काम करना चाहते थे तो माँ सरयू को प्रणाम करके वो कार्य को प्रारंभ करते थे। मैं यही कह सकता हूँ कि आज का ये जो सरयू महोत्सव है, आज जिस विधि विधान से मंत्रोच्चारण के बीच में माँ सरयू का आज यहाँ पर पूजन वंदन हुआ है, निश्चित रूप में कल्याणकारी होगा और हमारा उत्तर प्रदेश एक सशक्त प्रदेश बनेगा। और अयोध्या का तो मैं कह सकता हूं कि अयोध्या की तो छठी जो छवि है, अयोध्या का जो स्वरूप है वो अनुपम है, और हर कण में यहां पर भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम का जो कल्याणकारी रूप है वो दिखाई पड़ता है। अयोध्या से मोहम्मद आलम की रिपोर्ट। रामनगरी में सीएम योगी के सरयू तट पर विश्व की सबसे ऊंची भगवान श्री राम की विशालकाय मूर्ति वाले ड्रीम प्रोजेक्ट पर संकट के बादल छा रहे हैं। अयोध्या में विश्व की सबसे ऊंची 121 मीटर की प्रतिमा लगाने के लिए भूमि अधिग्रहण करने पहुंची टीम का स्थानीय लोगों ने विरोध कर जिलाधिकारी को 12 सूत्रीय मांग पत्र सौंपा है। पर्यटन विभाग ने अयोध्या में सरयू किनारे भगवान श्री राम की 221 मीटर ऊंची मूर्ति लगाने के लिए 200 करोड़ का बजट आवंटित किया है। प्रस्तावित मूर्ति की स्थापना के लिए करीब 222 लोगों की भूमि क्रय की जानी है। सर्कल रेट के हिसाब से जमीन की कीमत 38 करोड़ 6 लाख रुपए आंकी गई है। नियमानुसार ग्रामीण क्षेत्र की भूमि का मुआवजा सर्कल रेट से 4 गुना और शहरी क्षेत्र की भूमि का मुआवजा सर्कल रेट से 2 गुना देने की व्यवस्था है। इसी मांग को लेकर स्थानीय कॉलोनी वासी लगातार 4 गुना मुआवजे की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। जमीन क्रय करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। भूस्वामी को 20 जून तक कागजात के साथ अपना पक्ष रखने का समय दिया गया है। स्थानीय लोगों के मुताबिक भूमि मुआवजा देने को लेकर पक्षपात किया जा रहा है। लोगों का आरोप है कि अयोध्या में चल रही कई योजनाओं के तहत भूमि का अधिग्रहण किया जाना है और कई स्थानों पर भूमि अधिग्रहण को लेकर सर्कल रेट से 4 गुना दिया गया है। वहीं सरयू घाट के किनारे बसे इन बस्ती वालों को उचित रेट नहीं दिया जा रहा। जी, हमको आश्वासन तो कुछ भी नहीं मिला। हम यहाँ पे राम स्टेचू मूर्ति जो लगने वाली है उसके लिए आए हुए थे, हमको आश्वासन किसी ने कुछ नहीं दिया। बस हमको ये समझा दिया गया कि सर्किल रेट से मिलेगा आपको, इस हिसाब से मिलेगा, क्योंकि हमने सर्किल रेट से जमीन नहीं लिया था। हमने जमीन 18-20 लाख के उस पे लिया था, अब वो हमको सर्किल रेट में दे रहे हैं। हमको सर्किल रेट में जमीन नहीं चाहिए, नहीं देनी है हमको। हमारे शहरी रेट के हिसाब से, मार्केट वैल्यू के हिसाब से 2 गुना अगर लगा के दे रहे हैं
तो फिर हम सोचेंगे, क्योंकि हम भी चाहते हैं कि राम स्टैचू लगे, हम उसके खिलाफ नहीं है। हम लोग इस संबंध में आए हैं कि हमारे जमीन के पास ही भगवान श्री राम का बहुत बड़ा स्टैचू खड़ा करने जा रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय। उस संबंध में हम लोग मांग रहे हैं कि हमारे जो हमारा घर उजाड़ा जा रहा है, हमारा जमीन लिया जा रहा है, उसके बदले पुनर्वास का समुचित व्यवस्था, ढंग से व्यवस्था किया जाए। बगल में जो बस स्टैंड के लिए जो मुआवजा दिया गया है, उसके अनुसार हमें भी मुआवजा दिया जाए, क्योंकि वो भी हमारे ही ग्राम में है, वो भी हमारे ही काटा संख्या में है, उसके अनुसार हमको भी मुआवजा दिया जाए। और जितने लोग को बेघर किया जा रहा है, बेरोजगार किया जा रहा है, उन लोगों को रोजगार के लिए कोई आश्वासन दिया जाए। लेकिन यहाँ के पदाधिकारियों ने कोई केवल गोलमटोल बात किया जा रहा है पदाधिकारियों के द्वारा। हम माननीय मुख्यमंत्री महोदय से भी निवेदन किए थे तो उन्होंने हमें आश्वासन दिया था, मगर यहाँ के अधिकारियों के वार्तालाप से हम लोग संतुष्ट नहीं। अयोध्या से मोहम्मद आलम की रिपोर्ट। बारिश के पहले विदिशा की चौक नालियों को साफ करने और मलबे को हटाने के लिए जिला प्रशासन ने सफाई अभियान शुरू किया। शनिवार सुबह से कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह, एसडीएम लोकेंद्र सरल, तहसीलदार आशुतोष शर्मा, सीएमओ सुधीर सिंह सहित अन्य प्रशासनिक अधिकारियों ने नगरपालिका अमले के साथ मिलकर सफाई अभियान का आगाज किया। गौरतलब है कि तेज बारिश से ड्रेनेज सिस्टम खराब हो जाता है और कई इलाकों में पानी भरने की घटनाएं होती हैं। इससे निपटने के लिए नालियां और बड़े नालों को साफ करने का अभियान शुरू किया गया है। इस दौरान खुद कलेक्टर सहित अन्य अधिकारी नाली का कचरा उठाते नजर आए। निश्चित तौर पर यह प्रयास आम जनता के लिए भी प्रेरणा का काम करेगा। ये हम लोगों ने जो है अभी शहर में नाली सफाई का अभियान शुरू कराया है और ये अभियान कम्युनिटी मोबिलाइजेशन से चल रहा है। अभी हम लोगों ने इसमें माननीय विधायक जी, माननीय नगरपालिका अध्यक्ष जी, पार्षद जी सब लोगों के साथ एक गहन चर्चा की और उन सब लोगों ने एक शहर में अभियान चलाया हुआ है जिसमें हम लोग भागीदारी कर रहे हैं कि जो है हम लोग नालियों की सफाई करेंगे और बारिश में जो नालियों का पानी, नालियाँ चौक हो जाती हैं, उससे दिक्कत आती है, उसको साफ करने का अभियान चलाया है और हम सब लोग मिलकर ये काम कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 29 इंडिया। सीकर जिले के ग्राम जाजोद में JPL 9 क्रिकेट प्रतियोगिता का समापन हुआ। राजकीय आदर्श उच्च माध्यमिक विद्यालय में चल रही इस प्रतियोगिता का फाइनल मैच मलिकपुर व CSPA जाजोद टीम के बीच खेला गया। इसमें जाजोद टीम ने 14 रनों से विजय हासिल की। विजेता टीम को 11,000 रुपए नगद और ट्रॉफी तथा उपविजेता टीम को 5,100 रुपए नगद व ट्रॉफी देकर सम्मानित किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 29 इंडिया। उत्तर प्रदेश बार संघ के अध्यक्ष की हत्या के बाद अब अन्य अधिवक्ताओं को भी अपनी जान का खतरा सताने लगा है। बीते दिनों न्यू आगरा थाने के बाहर गोली का शिकार हुए अधिवक्ता आशुतोष श्रोत्रिया ने आरोपियों से अपनी जान का खतरा बताते हुए जिला मुख्यालय पहुंच SSP जोगेंद्र सिंह से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने इस मामले में एक वरिष्ठ अधिवक्ता की संलिप्तता की बात कहकर सनसनी फैला दी, जिस पर SSP ने सभी बिंदुओं की जाँच कर कार्यवाही करने का आश्वासन दिया है। की जानकारी में तो हो गई, 12/9/2018 में मेरे ऊपर जानलेवा हमला किया गया था HS बैरागी और उनके लड़कों द्वारा, और थाने के बाहर ही मेरे गोली मारी गई थी। उससे पहले जो अदालत में हॉट टॉक हुई थी और वो वहाँ पे हथियार लेके आए थे, उसमें हमारे यहाँ के एक अधिवक्ता अभय पाठक जी की भूमिका रही थी, उन्हीं के उकसाने पर वो लोग आए थे। उस दिन मेरी हत्या होते होते बच गई। अब मैं ये नहीं चाहता कि दरवेश वाली पुनरावृत्ति मेरे साथ हो। इसमें जो है अभय पाठक जी के यहाँ आए दिन मीटिंगें हो रही हैं, उनके खिलाफ चार्जशीट नहीं लगी। अभी 9 महीने में एक मुलजिम के खिलाफ ना पुलिस ने कोई गैंगस्टर की कार्रवाई करी। अब ये अभय पाठक जी और उन सभी के द्वारा मिलकर धमकी दी जा रही है कि अगर हमें जेल जाना पड़ा तो हम तुम्हारी गोली मरवा के हत्या करवा देंगे। तो इसी संबंध में मैं एक तहरीर देने आया था SSP साहब को कि कृपया कार्रवाई करें, इनकी कॉल डिटेल्स वगैरह निकालें, जिससे कि क्लियर हो कि किस किस शूटर से इनकी बात हो रही है और किस लेवल पर ये मेरी हत्या करने का षड्यंत्र रच रहे हैं। कुछ शूटर आए थे, होटल वगैरह में भी रुके, उसकी भी मैंने जानकारी दे दी है। कुछ जेल में भी मिलने गए थे, उनकी भी मैंने जानकारी दे दी है SSP साहब को। अभी की खबरों में फिलहाल इतना ही। लगातार खबरों के लिए बने रहिए न्यूज 29 इंडिया के साथ। एक देश सारे प्रदेश।